देहरादून में नगर निगम स्वच्छता अभियान चल रहा है और मेयर सुनील उनियाल गामा देहरादून को स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में नंबर वन पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, वहीं दूसरी ओर नगर निगम के कूड़ा वाहन स्वच्छता अभियान को फलीता लगाने से बाज नहीं आ रहे, साथ ही गाड़ियों में खुला कूड़ा ले जाया जा रहा है। महापौर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि मेरे संज्ञान में मामला आया है, मीडिया के कुछ लोगों ने ही मुझे वीडियो के माध्यम से इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है, एक तरफ हम स्वच्छता की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम गंदगी फैला रहे हैं और उसी कूड़े को ढकने की व्यवस्था की जाएगी, उस पर उचित कार्रवाई भी करेंगे क्योंकि स्वच्छता सर्वेक्षण अभी चल रहा है और सभी लोग जागरूक भी हैं, सफाई व्यवस्था हमारी प्राथमिकता में है। उन्होंने कहा 384वें पायदान से हम 64वें पायदान पर आए हैं, 315 अंकों का जो हमारा सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि उसमें हमें जो है मीडिया और जनता का बहुत ज्यादा सहयोग मिला है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। कि आज मेरी संज्ञान में आया है, हमारे मीडिया के मित्रों ने एक मुझे वीडियो भेजी है। निश्चित रूप से चिंता का विषय है कि जो एक तरफ हम सफाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम गंदगी फैला रहे हैं, तो जो गाड़ी उस पर लेके जा रही है तो उस पर एक तो उसको ढकने की व्यवस्था की जाएगी और जो गाड़ी लेके जा रही थी उसका उस पर जो है उचित कार्रवाई भी करेंगे और उस पर उसको एक नोटिस भी देंगे हम कि ये इस तरीके की व्यवस्था न